जब भी महासागरों में पाए गए खतरनाक और शक्तिशाली जीवों की बात आती है तो सबकी जुबा पर मेगालोडॉन का ही नाम आता है, और शायद यह सही भी है क्योंकि अब तक के मिले अवशेषों की माने तो मेगालोडॉन का ही नाम सबसे शक्तिशाली और खूंखार की लिस्ट में आता है। मगर हम भूल ही जाते हैं कि भले ही इंसान ने अपने पैर चांद पर रख लिए हों, मगर आज भी हम अपनी धरती को उतने अच्छे से नहीं जान पाए हैं और ना ही धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों की जानकारी हमें प्राप्त है। और इसके पीछे की वजह है धरती का इतना विशाल होना। शायद यही वजह है कि वैज्ञानिक हर दिन नए जीवों तथा पुराने जीवों के अवशेष को ढूंढ पाते हैं, लेकिन किसी पौराणिक जीवों के पूरे अवशेष न मिलने की वजह से वैज्ञानिक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते और उस जीव को रहस्यमय जीव की संज्ञा दी जाती है। और ऐसे ही दो रहस्यमय जीव थे, डंकली ऑस्टियस और ब्लूप। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये दो जीव इतने खतरनाक हुआ करते थे जिसके सामने मेगालोडॉन भी कुछ नहीं था। पर डंकली ऑस्टियस के अधूरे अवशेष और ब्लूप के मात्र आवाज को आधार न मानकर इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो वैज्ञानिकों के पास मौजूद चंद जानकारियों के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो अगर किसी तरह से डंकली ऑस्टियस और ब्लूप के बीच मुकाबला होता है तो इस बैटल में कौन सा समुद्री दानव जीतेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जीवों की उत्पत्ति 3.5 अरब सालों पहले हो चुकी थी, और शुरुआती जीवन में सिर्फ एक कोशिका के बने जीवों का अस्तित्व धरती पर हुआ करता था। फिर समय के साथ जीवन कई स्तरों में परिवर्तित होता रहा, और फॉसिल एविडेंस के मुताबिक समुद्र में मछलियों की उत्पत्ति लगभग 48 करोड़ सालों पहले हुई, और उस दौर पर भी कई ऐसे जीवों ने धरती पर जन्म लिया जिसके सबूत धरती पर अब लगभग मिट चुके हैं। मगर जो अवशेष हमें देखने को मिले हैं उससे ये पता चलता है कि उस समय जीवन कैसी हुआ करती थी, उस समय के जीव कितने खतरनाक हुआ करते थे और उसका हमला क्या तबाही ला सकता था। ये बात है आज से 40 करोड़ सालों पहले की, जब धरती पर बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति होना शुरू ही हुई थी, और उसी वक्त समंदर के अंदर एक ऐसी मछली ने जन्म लिया जिसके नजदीक समंदर के अन्य जीव आने से भी डरा करते थे। ये उस वक्त का दौर था जब धरती पर किसी डायनासोर ने भी दुनिया नहीं देखी थी। मेसोजोइक पीरियड से भी 15 करोड़ सालों पहले डिवोनियन पीरियड में समुद्र के अंदर एक ऐसा राक्षस रहा करता था जिसे आज हम डंकली ऑस्टियस के नाम से भी जानते हैं। डंकली ऑस्टियस को पूरे डिवोनियन पीरियड का सबसे विशाल, शक्तिशाली और खूंखार मछली माना जाता था, जो प्लेकोडर्मी वर्ग से अपना रिश्ता रखते थे। प्लेकोडर्मी प्राचीन समय की ऐसी मछलियां हुआ करती थी जिसके शरीर पत्थर के समान मजबूत हुआ करते थे, और इसी वजह से इन्हें आर्मर्ड फिश भी कहा जाता था। अब क्योंकि डंकली ऑस्टियस एक प्लेकोडर्मी फिश थी इसलिए इसका शरीर भी काफी सख्त हुआ करता था, लेकिन ये दानव बाकी मछलियों से इस तरह से अलग हुआ करते थे कि इनके सिर किसी स्टील की भांति मजबूत हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी विशाल मछली को एक बुलेट प्रूफ जैकेट और स्टील से भी मजबूत हेलमेट पहना दिया गया हो, और यही कारण था कि डंकली ऑस्टियस उस वक्त के समुद्र का खूंखार शिकारी हुआ करते थे, क्योंकि वह बिना डरे समुद्र में कहीं भी तैर सकते थे, जिसे चाहे उस पर हमला कर सकते थे, क्योंकि इसे दूसरे जीवों के हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मगर वक्त से बड़ा और वक्त से शक्तिशाली कोई नहीं होता, और इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता, और शायद यही वजह थी कि ये जीव धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, क्योंकि अब तक की मिले जानकारी के अनुसार इंसानों ने डंकली ऑस्टियस को नहीं देखा है। सारी जानकारियां सिर्फ डंकली ऑस्टियस के मिले नमूनों के आधार पर ही कल्पना की गई है। वहीं बात करें सबसे रहस्यमय समुद्री जीव ब्लूप की, तो इसके बारे में दुनिया को थोड़ी बहुत जानकारी सन 1997 में मिली, जब समंदर में एक रिसर्चर्स की टीम ने अपने डिवाइस में अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी डाटा को रिकॉर्ड किया, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये फ्रीक्वेंसी किसी विशालकाय समुद्री जीव की होगी, जो ब्लू व्हेल से भी काफी विशाल हो सकता है, और लोगों ने उसके द्वारा निकाले गए ब्लूप की आवाज के कारण उसे ब्लूप कहा। उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसके आकृति और संरचना का अनुमान लगाने लग गए, और ऐसी बात नहीं है कि यह घटना सिर्फ वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड की गई, बल्कि यहूदियों के पुरानी कथाओं के अनुसार एक ऐसा ही खूंखार दानव का जिक्र किया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता अगर इस खूंखार से ब्लूप का मुकाबला शक्तिशाली डंकली ऑस्टियस से हो जाता? ऐसे में क्या ब्लूप इस पत्थर से मजबूत जीव को निगल पाता, या डंकली ऑस्टियस ब्लूप नाम के शब्द को दुनिया से मिटा देता? अगर हम बात करें डंकली ऑस्टियस की, तो यह शिकारी न केवल डिवोनियन पीरियड के सबसे ड्यूरेबल, बल्कि यह उस समय के सबसे विशाल और शक्तिशाली मछली हुआ करते थे,
एक अनुमान के मुताबिक इसकी लंबाई 30 फीट तक होती थी और इसका वजन 4 टन यानी एक हाथी के जितना हुआ करता था। इसके साथ ही प्लेकोडर्मी से अपना रिश्ता रखने की वजह से इसके दांत नहीं पाए जाते थे, लेकिन इस मछली के मुंह में किसी चोंच के समान दो जोड़ियां हड्डियों की प्लेट पाई जाती थी जो किसी दांतों से भी ज्यादा मजबूत और उससे बेहतरीन काम करते थे। इन दांत के समान प्लेटों को इसलिए खतरनाक माना जाता था क्योंकि ये वक्त के साथ और भी धारदार होते जाते थे। लेकिन इन मछलियों का सबसे खास हमला हुआ करता था जॉ लॉकिंग मैकेनिज्म, क्योंकि इसकी गर्दन की मांसपेशियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी जिसके मदद से ये अपने मुंह को मात्र 0.2 सेकंड के अंदर खोलकर बंद भी कर लिया करते थे। यानी बोनी प्लेट और इसके मुंह के बंद करने की स्पीड को मिला दें तो इससे बना कॉम्बिनेशन काफी डेडली हो जाता है। इसके साथ ही इसके टेल के मसल्स काफी पावरफुल हुआ करते थे जो उसे पानी में तेजी से तैरने में मदद करती थी। भले ही ये आकार में थोड़े छोटे हो लेकिन अपने कम आकार की वजह से ये काफी फ्लेक्सिबल हुआ करते थे। वहीं ब्लूप के बारे में इतनी जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं है क्योंकि इसे पहली और मात्र एक बार ही पॉइंट नीमो में सुना गया, जिसके बाद से आज भी लोगों के बीच ये बात होती है कि ये आवाज कथूलू की थी। ऐसे में ब्लूप को हम कथूलू के आकार के जितना भी मान ले तो भी ये डंकली ऑस्टियस से 10 गुना से भी ज्यादा विशाल हो जाते हैं और यही वजह है कि इसके आवाज को एक ऐसे जगह से सुना गया जहां दूर दूर तक कोई टापू मौजूद नहीं है, क्योंकि इसे रहने के लिए एक विशाल क्षेत्र की जरूरत होती है। और यदि ये जीव रियल लाइफ में होते तो यकीन मानिए ये काफी इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि इंसानों की नजर से इतने दिनों तक छिपकर रहना, साथ ही बड़े आकार होने के बावजूद आज की परिस्थितियों में जीवित रहना किसी अकलमंद जीवों की ही बस की हो सकती है। और लगभग 300 फीट से भी ज्यादा विशाल होने पर इसके दांतों की बनावट काफी डराने वाली हो सकती है, मगर इसके आक्रामकता के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि ब्लू व्हेल भी आकार में बड़ी होती है लेकिन ये कभी भी दूसरे जीवों पर हमला करना नहीं चाहती, और शार्क तथा ऑर्का जैसे मछलियों का ये आसान सा शिकार बन जाती है। ऐसे में अगर ब्लूप शांत प्रवृत्ति का होता है तब भी किसी एक डंकली ऑस्टियस के लिए ब्लूप को मार पाना काफी मुश्किल हो सकता है। वहीं अगर ब्लूप आक्रामक प्रवृत्ति का निकलता है तो अकेले ब्लूप कई डंकली ऑस्टियस को जिंदा निगल सकता है। खैर, आप अपनी राय इस पर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।